हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। दिल से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल छवि अश्विनी कुमार में, और मैं हूँ छवि। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ आजियो हॉल, जो कि आप लोगों को थंबनेल देख के समझ भी आ गया होगा, जिसमें से कुछ तो मैं रिव्यू करने के पहले ही पहन भी चुकी हूँ, वॉश भी हो चुका और आयरन भी होके आ चुका, तो उसके आफ्टर वॉश रिव्यू भी मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं और आजियो हॉल शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे YouTube वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दे। जब भी बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो प्लीज रिक्वेस्ट है ऑल के ऊपर क्लिक करें। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो थैंक यू मेरी प्यारी दुलारी फैमिली, क्योंकि आप लोगों के कारण ये जो फैमिली है हमारी 4K फैमिली हो गई है। 4000 फैमिली मेंबर्स की जो है ये फैमिली बन चुकी है। तो इसको बस जल्दी जल्दी, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो बस मेरी इच्छा है कि जल्दी से 20K फैमिली हो जाए। तो बस इसी उम्मीद के साथ आज ये हॉल शुरू करती हूँ। चलिए स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले वाले ड्रेस से। तो जो ये पहला ड्रेस है, ये देखिए, ये प्योर कॉटन फैब्रिक में है और इसका तो आप लोगों ने मुझे पहने हुए भी देखा है। इसको मैं अपने बर्थडे के दिन पहनी थी, जो आप लोगों को बहुत 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 खूबसूरत लगा था, और ये वाकई बहुत खूबसूरत है। इसमें बहुत सारे कलर थे, तो ये चॉकलेट कलर बोल दो, डार्क ब्राउन बोल दो, लेकिन ये ब्लैक के करीब है ना। तो ये जो कलर है मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था, तो ये वाला जो है सो कि मैं परचेज की थी। इसमें भी आज के दिन मैं सॉरी बोलती हूँ, ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट इसमें और भी सारे दो तीन कलर है वो अवेलेबल है, बट ये जो है आउट ऑफ स्टॉक है, कोई भी साइज इसमें आपको नहीं मिलने वाला है। तो प्योर कॉटन फैब्रिक है, कुछ इस तरह का जो है आपको पूरे पूरे जो ये ड्रेस है ना, इसमें आपको ये औरत मिलती है जो अपने सर के ऊपर ऐसे घरा जो है वो रखी हुई है। अच्छा, एक चीज इस ड्रेस का मैं बोलूंगी, आज के दिन में आपकी कमर 28 की है और 6 महीने में ही आपकी कमर अगर 38 की हो गई है ना, तो भी आप इसको टीम अप कर पाओगे, यानी कि तो भी आप इसको पहन पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये नॉट है ना, ये अगर आप इसको खोलते हो तो ये देखिए कितना बड़ा होता है। तो आप अपने कमर के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो और ये थोड़ा सा भी खराब नहीं होता है, वैसे ही मीन्स खराब नहीं दिखता है, वैसे ही जो ये स्लिप्स है इसका भी, अगर आपका स्लिप्स मतलब सनी देओल के जैसा अगर मोटा है ना, 2.5 किलो का है ना, तो भी ये आपको आ जाने वाला है। और क्वालिटी की बात करते हो तो इतना बेहतरीन क्वालिटी है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आंख बंद करके आप इसको परचेज कर सकते हो। मैं इसको वन पीस के रूप में पहनी थी, आप चाहे तो इसके नीचे जो है आप लेगिंग्स या प्लाजो, एज यू विश, आप जो भी पहनना चाहते हो आप उसके नीचे आप पहन सकते हो। फ्रंट का लिंक दे दूंगी आपको, ठीक है। इसके साथ आपको मिलता है एक खूबसूरत सा पोटली, जो कि अमेजिंग है। कुछ इस तरह से आप पोटली को, ये देखिए, कुछ इस तरह का आपको पोटली मिलता है, इस तरह से आप कैरी कर सकते हो, यानी कि ये आप ड्रेस पहने और ये कैरी करें पोटली। पोटली के अंदर आराम से आप मोबाइल कैरी कर सकते हो और थोड़ा सा रुपए भी डाल सकते हो, तो बहुत ही बेहतरीन है, अमेजिंग है ये। ये मुझे आप 11th को पहने देखी थी और ये आप मुझे 10th अप्रैल को पहने देखी थी, पहन सकते हो। प्योर कॉटन फैब्रिक है, जैसे इसका है वैसे ही इसका भी है। ये ग्रे कलर है और ग्रे कलर मुझे मेरा फेवरेट कलर है, बहुत के ऊपर ग्रे कलर नहीं अच्छा लगता है, बट बहुत स्मार्ट कलर है ये। मुझे इस टाइप के कलर बहुत अच्छे लगते हैं, सूदिंग लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का जो है ये कॉटन है। अगर ब्रांड की बात करते हो तो ब्रांड जो है इसका स्याही इंक है ना, स्याही ब्रांड है और कुछ इस तरह का है। अच्छा, आप सोचोगे कि मैं तो स्लीवलेस पहनती नहीं हूं, मैं तो इसे परचेज नहीं करती कर सकती, तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको स्लिप्स भी मिलता है कुछ, ये देखिए इसके अंदर आपको स्लिप्स भी मिलता है। तो आप चाहे तो स्लिप्स के आप इसको मीन्स बाजू लगवा ले और बाजू के साथ पहने, या फिर आप चाहे तो मेरे जैसा अगर आप स्लीवलेस पहनते हो तो स्लीवलेस पहन ले। फ्रंट में कुछ इस तरह से आपको बटन मिलता है और बैक पे जो है आपको कुछ इस तरह का जो है थ्रेड वर्क है, वो लखनवी वाली जो फिलिंग आती है ना, लखनवी कुर्ता में जो आपको जो धागे का काम होता है, वही जो है वो धागे का काम यहाँ पर है।
फ्रंट में आपको यहाँ पर दो पॉकेट मिलता है जो काफी डीप पॉकेट मिलता है, और उसके ऊपर भी आपको थ्रेड व्हाइट थ्रेड का वर्क है, बहुत क्लासी है, बहुत ही खूबसूरत है। आप इसको ड्रेस के रूप में या फिर आप इसके साथ व्हाइट कलर का पेंसिल पैंट या फिर व्हाइट कलर का जेगिंग्स या फिर व्हाइट कलर का एज यू विश आप किसी के साथ भी पहन सकते हो, बट अगर आप इसको ड्रेस के रूप में पहनते हो तो सुपर लगने वाला है। आफ्टर वॉश भी ये बहुत 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 अच्छा है, थोड़ा भी श्रिंक नहीं किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे कुर्ता की जो आप लोगों ने नहीं देखा है। तो ये जो है ये कुर्ता सेट नहीं है, सिंपल मैं कुर्ता परचेज की हूँ। सबके प्राइस जो है मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर देने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऑफ में परचेज की थी, 70% ऑफ था या 60% ऑफ था तब मैं उठाई थी। स्मार्ट शॉपर जो होता है ना, हमें से स्मार्ट होना चाहिए, जब भी सेल लगे ना तभी उठा लेना चाहिए, क्योंकि जब वो महंगा हो जाता है ना तो उठाने का कोई फायदा नहीं है। मैं क्या करती हूँ ना, जो भी प्रोडक्ट मुझे पसंद आते है ना सब मैं विश लिस्ट में डाल देती हूँ और चेक करते रहती हूँ, है ना, कि अभी कितना परसेंट ऑफ है, अभी कितना परसेंट ऑफ है। जहां देखती हूँ 70% ऑफ है, फटाक से शॉपिंग कर लेती हूँ। ऐसे ही आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ना सोच रही हूँ ना हर रोज एक नया ड्रेस पहनू, मेरे पास अगर मैं हर रोज एक नया ड्रेस पहनूंगी ना तो भी मैं रिपीट ड्रेस मेरा नहीं होगा, लेकिन मैं बस सोचते ही रह जाती हूँ। अब मैं घर में भी अब सब टोकने लगे यार, ये ड्रेस को त्याग दो, ये ड्रेस को त्याग दो, जब देखो तो यही पहन लेती हूँ, लेकिन क्या करूँ क्या करूँ। ओ डार्लिंग, मैं हूँ आदत से मजबूर, जो सामने दिखा वही पहन लेती हूँ। आप लोगों में से कितनों की ये आदत है सो बताइए, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत कमेंट आ रहे हैं कि छवि ड्रेस तो इतना आप लेकर के आते हो, बाकी सारे ड्रेस का आप करते क्या। कुछ नहीं दोस्तों, सारे ड्रेस मेरे कुछ इस वार्डरोब में, कुछ इस वार्डरोब में, कुछ इस वार्डरोब में पड़े रहते हैं। वार्डरोब ऐसे ओपन करती हूँ, ऐसे देखती हूँ, पर शुरू से ऊपर से ना तीन या चार ऐसे देखती हूँ, जहाँ वो तीन चार में जो दिख गया ना ऊपर के दो तीन में, बस उसे निकालती हूँ, पहन लेती हूँ। इसे तो लग रहा है मैं कितने दिनों के बाद पहनी हूँ ये वाला मैं मिंत्रा से परचेज की थी, और आज के दिन में भी इसके ऊपर ऑफर होकर के भी 1600 में ये है, तो ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्मार्ट है। तो जो मैं पहनी हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ, मिंत्रा से परचेज की थी। ब्रांड की अगर बात करते हो तो अनुक है, मिंत्रा प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो तो ये कुर्ता का आपको रिव्यू दिख जाने वाला है। ओके, अब आ जाते हैं इस कुर्ता के ऊपर। तो ये जो है आपको कुर्ता सेट नहीं है, आपको सिंगल कुर्ता है इस, तो जो ये कुर्ता है इसके साथ आपको ये मास्क भी मिलता है, सेम कलर का आपको मास्क मिलता है, सेम प्रिंट का आपको मास्क मिलता है। बात कर लेते हैं कुर्ता के फैब्रिक की, तो जो कुर्ता का फैब्रिक है वो आपको रेयॉन फैब्रिक मिलता है। नेक पैटर्न की बात करते हो तो कुछ इस तरह का आपको चाइनीज कॉलर जैसा मिलता है। फ्रंट में पूरे में आपको यहाँ पर जो है बटन मिलते हैं, बट नीचे वाले जो बटन दिखते हैं वो खुलने वाले नहीं है, ऊपर में सिर्फ ये दो जो बटन है ये आपको खुलता है। ठीक है, और ये जो अगर आपको प्रिंट दिख रहा है तो आप सोच रहे हो कि लखनवी धागे का काम है, तो नहीं है, धागे का काम नहीं है, पूरे में व्हाइट कलर का ऐसे प्रिंट बनाया हुआ है जो कि आपको चिकनकारी वर्क से मिलता जुलता है। फैब्रिक रेयॉन है, बहुत बेहतरीन रेयॉन फैब्रिक है, बहुत कंफर्टेबल है, थोड़ा सा भी आपको फील नहीं होगा कि चीप वाले रेयॉन होते हैं वो नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है। पूरा नीचे तक जो है सो आपको बटन गया हुआ है, और पूरे कुछ इस तरह का बटन के साइड में जो है आपको दोनों तरफ ऊपर से नीचे तक यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरह का आपको प्रिंट हो रखा है। फ्रंट में आपको स्लिप मिलता है, यानी कि फ्रंट में यहाँ पर जो है आपको कट मिलता है, जिससे ये होता है कि आप प्लाजो पहनो या फिर पैंट पहनो, पेंसिल पैंट पहनो या जींस पहनो, तो ये बहुत स्मार्ट लगता है। साइड में आपको स्लिप मिलता है, लॉन्ग स्लिप, जो कि वंस के अगेन बहुत स्मार्ट लगता है। बैक में कुछ इस तरह का आपको प्रिंट मिलता है, यानी कि फ्रंट में आपको लखनवी वर्क जैसा मिलता है और बैक में कुछ इस तरह का आपको प्रिंट मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि स्लीवलेस है, मैं स्लीवलेस नहीं पहनती हूँ, तो मैं आपको बता दूं इसके साथ वंस अगेन आपको स्लीव्स मिलता है, जो कि आप चाहें तो स्लीवलेस पहन सकते हैं या फिर आप चाहें तो स्लीव्स भी लगवा सकते हो। साइड में आपको पॉकेट मिलता है, आपको दिखला देती हूँ स्लीव्स ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए कुछ इस तरह का आपको स्लीव्स मिल जाता है और साइड में आपको पॉकेट मिल जाता है, जो कि वंस अगेन बहुत स्मार्ट है।
साइज की अगर आप बात करते हो तो मैं गलती से एक साइज बड़ा मंगा ली, क्योंकि आपका बस्ट साइज है। मान लीजिए अगर आपका बस्ट है 32 तो आप 34 आप परचेस करें तो बेस्ट होगा। सेम साइज भी आप परचेस कर सकते हो अगर आप एकदम से फिटिंग वाले पहनते हो तो। मैं थोड़ा लूज पहनती हूँ तो अपने साइज से एक साइज मैं बड़ा ही मंगाती हूँ, ठीक है। आंख बंद करके आप इसको परचेस कर सकते हो, बहुत बेहतरीन है। आफ्टर वॉश अभी मुझे नहीं पता, बट देख करके लग रहा है कि रेयॉन फैब्रिक जो है और ये कलर फेंट होने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुर्ता की। तो जो ये नेक्स्ट कुर्ता है, वन सेकेंड, फिर से ये सेट नहीं है, प्लेन सिर्फ सिंगल कुर्ता में परचेज की हूँ। ब्रांड की अगर बात करते हो तो इंडीबेला ब्रांड है, प्योर कॉटन फैब्रिक है। कुछ इस तरह का जो है आपको कॉलर मिलता है, और मुझे ये कॉलर वाले जो पैटर्न होते हैं मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे पति देव को, यानी कि मेरे जो हस्बैंड है उनको मेरे ऊपर इस तरह का जो कॉलर नेक होता है मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। बोलते तुम्हारा नेक इसमें और लंबा लगता है, तुम बहुत प्यारी दिखती हो। तो कुछ इस तरह का जो है आपको नेक पैटर्न मिल जाता है। आप अगर स्लिप्स की बात करते हो तो आपको विदाउट स्लिप्स मिलता है, इसके अंदर आपको स्लिप्स अलग से एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, जो कि अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनते हो तो आप फिर से लगा सको, ऐसा नहीं है। ये विदाउट स्लिप्स आपको मिलता है, पूरा बैक और फ्रंट दोनों में आपको ये प्रिंट मिल जाता है। जो आप प्रिंट देख रहे हो पूरे में लीफ बना हुआ है, फ्रंट में पूरे में कुछ इस तरह के लीफ जो है वो बने हुए डिफरेंट डिफरेंट कलर के, और नीचे जो है ये स्ट्रेट लाइन ऐसे कुछ बना हुआ है। इससे ये होता है कि आप अगर आपकी हाइट अगर कम है, अगर आप मेरे हाइट के हो, 5'3" अगर आपकी हाइट है तो आप थोड़ा 5'4" दिखने वाले हो, कुछ इस तरह की अगर स्ट्रेट लाइन हो तो आपकी हाइट जो है वो लंबी लगती है और आप पतले भी लगते हो। तो इसमें ये बैक, ये आपको फ्रंट मिल जाता है, बैक आपको सेम प्रिंट मिल जाता है, और बैक में आपको स्लिट कट मिलता है, मतलब बैक में आपको कट मिलता है, फ्रंट में नहीं। मोस्टली फ्रंट में कट होता है बट इसमें आपको बैक में कट मिलता है। स्ट्रेट फिट कुर्ता है, साइड में लॉन्ग स्लिट है, तो आप इसको जींस के साथ, आप इसको जेगिंग्स के साथ, आप इसको पेंसिल पैंट के साथ पहनोगे तो ये बहुत बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता कि ये सलवार के, हाँ सलवार के साथ भी पहन सकते हो, बट ये जीन्स, जेगिंग्स, लेगिंग्स और पेंसिल पैंट और प्लाजो के साथ ये बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। तो क्वालिटी की बात करते हो तो सुपर से भी ऊपर वाला है, और जो अभी तक मैं इतना दिखलाई हूँ ना, इसमें सबसे ज्यादा कम वजन का यही है, यानी कि मुझे तो लगता है ये 50 ग्राम भी नहीं होगा, एकदम वेटलेस है, बहुत प्यारा है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ड्रेस की, और जो ये नेक्स्ट ड्रेस है ये पूरा कुर्ता सेट है, और ये कलर मेरे पास था बट बहुत पहले मैं परचेस की थी इस कलर को, मेरे पास फिर से नहीं था, ये कलर मुझे परचेस करना था। तो ये है आपको बॉटल ग्रीन कलर, बॉटल ग्रीन कलर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बड़ा खूबसूरत लगता है। अगर आप फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बॉटल ग्रीन कलर बहुत प्यारा लगता है। तो ये जो है ये कलर मैं ये परचेज की हूँ, पूरा ड्रेस सेट है, ये प्योर कॉटन फैब्रिक की बात है। मुझे इसका प्राइस आज भी याद है, मैं परचेज की थी 2000 रुपए में ये परचेज की थी, बट आज के दिन इसका प्राइस कितना है मुझे नहीं पता, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके कुर्ता की। तो ये जो है आपको प्लेन बॉटल ग्रीन कलर का आपको कुर्ता मिलता है। वन सेकेंड आपको मैं बता दूं, इसमें आपको अलग से स्लीव्स नहीं मिलता है कि आप अगर स्लीवलेस नहीं पहनना चाहते हो तो आप स्लीव्स ऐड कर लो, नहीं, ये स्लीवलेस ही सेट है। कुछ इस तरह का फ्रंट में आपको ब्रॉड नेक मिलता है राउंड में, और कुछ नेक के ऊपर कुछ इस तरह से जो है पे कुछ ये वाले जो है आपको प्रिंट मिल जाते हैं, स्लीव्स पे भी कुछ इस तरह के आपको प्रिंट मिलते हैं। बैक और फ्रंट जो है कुछ इस तरह का प्लेन ही आपको मिलता है, साइड में यहाँ पर जो है आपको लॉन्ग स्लीव मिलता है। फैब्रिक की बात करती हूँ तो प्योर कॉटन और खादी वाली जो है ना फिलिंग आती है गजब का जो है, सो आपको फिटिंग मिलता है इस कुर्ता का। बैक फ्रंट आप देख रहे हो, लॉन्ग कुर्ता है जो कि, और वन सेकेंड आपको बहुत स्मार्ट दिखलाता है, मैं इसका टैग नहीं हटाई हूँ बट इसको मैं पहनी थी, मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत स्मार्ट लग रही थी। ये साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको फ्रंट में कुछ इस तरह का टक लगा हुआ है, गौर करें, ये देखिए ये वाला, ये जो बस्ट है ना वहां पर कुछ इस तरह का स्टिच किया हुआ है। इससे ये होता है कि जो आपका बस्ट का जो फिटिंग होता है बहुत स्मार्ट लगता है, आपके ऊपर बहुत स्मार्ट फिट होता है। तो आपका कलर कॉम्प्लेक्शन कोई भी हो बहुत खूबसूरत लगने वाला है,
बट अगर आप फेयर कॉम्प्लेक्शन में आते हो तो आपके ऊपर ये कलर गजब का लगने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया कुर्ता जो 50 ग्राम का भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके बॉटम की, तो बॉटम जो है कुछ इस तरह का आपको मिलता है। बैक में जो है आपको इलास्टिक मिलता है, फ्रंट में आपको बेल्ट मिलता है, यहाँ पर जो है आपको बटन मिलता है और यहाँ पर आपको जिप मिलता है। ठीक है, तो ये वाला जिप मिलता है जिसको आप ऐसे करके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह का है। मुझे बॉटम को कट कराना है, मैं पहनी हूं तो ये मुझे थोड़ा सा लंबा हुआ है। प्लाजो आपको मिलता है, यानी कि प्लाजो आपको मिलता है, काफी लूज वाला जो है प्लाजो मिलता है, बट मुझे ये हाइट में थोड़ा सा इतना कट करा दूंगी तो मुझे होगा, क्योंकि मैं शॉर्ट प्लाजो हो चाहे पैंट हो मैं शॉर्ट पहनती हूँ ना, वो एकदम से लंबा वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं अभी तक इसे एक बार भी पहन के बाहर नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे इसे कट कराना है। बहुत ही कंफर्टेबल जो है आपको ये मिलता है, पूरे में ये जो बॉटल ग्रीन के ऊपर ये कुछ व्हाइट कलर के ये स्ट्राइप है जो आपको बहुत अट्रैक्टिव, बहुत टॉल और बहुत खूबसूरत जो है वो दिखलाते हैं। प्योर कॉटन फैब्रिक है। बात कर लेते हैं इसको दुपट्टे, इसके दुपट्टे की, तो जो दुपट्टा है ना इसको देख के आपको पूना कॉटन की जो साड़ी है या फिर अगर आप पूना कॉटन का सूट पहनते हो तो वो वाली आपको फीलिंग आएगी। पूरा 2.25 मीटर का आपको जो है वो दुपट्टा मिलता है और पूरे दुपट्टे में ये जो पैंट का जो प्लाजो का जो ये वाला जो आपको लाइन मिलता है यहाँ पर वो आपको लाइन मिल जाता है और पूरा जो दुपट्टा है आपको कुछ इस तरह का है। मीन्स इसके ऊपर ये देखिए ये ज्वाइंट किया हुआ है, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो यहाँ पे आप देखिए ये कपड़ा है उसके ऊपर ये जो है बॉर्डर को ये लगाया हुआ है, ये देखिए ये बॉर्डर को लगाया हुआ है इसके ऊपर से, जिसकी वजह से ये जो दुपट्टा है ये और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। मेरा ये सबसे फेवरेट वाला कुर्ता हो गया है, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये देख रहे हो आप कलर गजब का लग रहा है ना, मीन्स 50 ग्राम 50 ग्राम और 50 ग्राम, नहीं ये 100 ग्राम 50 ग्राम और 50 ग्राम, जोड़ लो आप, इतना वेटलेस है कि मैं क्या बताऊं। इसको अभी वॉश नहीं की हूं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका कलर जाएगा। वैसे भी कोई भी ड्रेस को आप अगर वॉश करते हो तो अगर आप जो एकदम से इजी में या फिर किसी चीज में अगर आप वॉश करते हो तो उसका कलर नहीं जाता और लास्ट थोड़ा ज्यादा करता है, कलर फेड नहीं होता। तो आप बताइए कि आपको सबसे प्यारा इसमें कौन सा लगा, आपके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अच्छा लग गया हो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। और हाँ, पता है मुझे बहुत सारे कमेंट आएंगे इसमें से कोई भी एक ड्रेस पहन के आप क्यों नहीं बैठे, बन से गए, लेजीनेस आ गया, क्या करूं, ऐसी ही है आपकी छवि। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।